अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार अंडे छोले। ये मैं पहले अंडे फ्राई करके इनको निकाल लूँगी। पहले मैंने बॉयल कर लिया है, इनको मैं फ्राई कर रही हूँ तेल में। फ्राई करके ये इसको मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी अंडों को। देखिए ये लाइट ब्राउन हो गए, अब मैं इनको निकाल लूँगी। मैं तीन दालचीनी की स्टिक ये फ्राई करूँगी खूब। इसे ये खूब अच्छी तरह कड़कड़ाता है, इसका अरोमा ऑयल में आ जाए। फिर मैं आप बाद में एक मैंने मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया। फ्लेम मीडियम हाई पर रखूँगी। अभी एक जो मैंने प्याज कट करके रखी थी मीडियम साइज़ की, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल क्रिस्टल टाइप की करूँ, बिल्कुल लाइट हल्की से ब्राउन होगी। तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और मैं आपको बताती हूँ आज इतनी ब्राउन हो गई है। हम इसमें दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। कल तो खत्म हो जाए, इसका फ्राई करूँगी मैं। देखूँ ये एक चम्मच, एक टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली, आधा टीस्पून मैंने देगी लाल मिर्च लिए, आधे टीस्पून मैंने हल्दी लिए और एक टीस्पून हसबे जायका नमक। हल्का सा फ्राई करके ये एक टमाटर मैंने क्यूब काट के रख लिया था, ये एक टमाटर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मसाला जले नहीं, इसमें मैं थोड़ा पानी डाल। देखिए मैंने टमाटर एक छोटा टमाटर था वो मैंने क्यूब करके डाल दिया है। अब इसको मैं गलने तक बनाऊंगी, इसको पकाऊंगी कि ताकि ये टमाटर जो है मसाले में अच्छी तरह हल जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो। ना हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसमें दो टीस्पून में कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इनको भी बहुत अच्छी आती है। ये देखें 250 ग्राम ये मैंने चने लिए थे, इनको अच्छी तरह बॉयल कर लिया। देखें कितनी अच्छी तरह बॉयल हो गई है। ये पानी थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी रहने दिया था, अब ये पानी भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इस चनों इस जो चनों के सालन के साथ ये पानी सालन इसका बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। ये देखें मैंने ये भी इसमें शामिल कर दिया, मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी इसमें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडे चने बिल्कुल रेडी हैं। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आधा कप मैंने दही लिया, ये दही भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, इसका अच्छा सा मसाला बनेगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडे चने बिल्कुल रेडी हैं। मैंने अंडे फ्राई करके डाले थे, ये देखें बिल्कुल वो बहुत मज़े के होते हैं ये। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे इनकी इसके, और आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे आपको। और आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।